तो हार्दिक है तो मुमकिन है, तो हार्दिक पांड्या ने मैच जिता दिया इंडिया को, और हमारे यहाँ सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, पटाखे वगैरह फूटने लगे। हाँ और भाई हार्दिक पांड्या ने सच में भाई ऑलराउंडर पटाखे फूटे। तो हार्दिक पांड्या ने सच में ऑलराउंडर इनिंग्स खेली यहाँ पर, और 3 विकेट भी लिए, 3 इम्पोर्टेंट विकेट लिए, और इम्पोर्टेंट रन्स भी उन्होंने बनाए। कितने रन बनाए? हार्दिक पांड्या ने 30 रन बनाए 17 बॉल में, तो हाँ अच्छे रन बनाए। और 33। वैसे पाकिस्तान को भी मानना पड़ेगा यार, मतलब इतने यंग बॉलर्स जो कम एक्सपीरियंस है, जिनको उन बॉलर्स को लाके भी अच्छी टक्कर दी है टीम इंडिया को, और मैच जो है एंड तक लेके गए, लास्ट ओवर तक लेके गए, और हाँ काफ़ी अच्छी टक्कर दी, मतलब एक तरफा वन साइडेड मैच होने नहीं दिया जिस उन्होंने। हिसाब से पाकिस्तान ने बैटिंग करी थी, इतनी बुरी बैटिंग करी थी, मुझे तो लगा था कि यार इंडिया एक तरफा रन चेस करेगी। लेकिन जो नसीम शाह ने शाहीन शाह अफरीदी की कमी महसूस नहीं होने दी, हाँ ये भी शाह वो भी शाह, तो दोनों ने एक जैसी बॉलिंग करी। और बस हारिस रऊफ थोड़े से रन ज़्यादा पड़ गए थे उनको, बाकी शाहनवाज धानी ने भी अच्छी बॉलिंग करी, शादाब खान और नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग करी। नवाज ने तो शायद 3-1 विकेट भी ले और लिए शाह को तो जो है इंजरी भी हो गई थी, यार, वो लेकिन दर्द में भी अच्छी उसके बॉलिंग बाद कर भी रहा था। क्रैम्प्स में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, और विकेट ले लिया था ऑलमोस्ट, एम्पायर ने आउट दे भी दिया था, लेकिन वो लेग साइड पे टप्पा खाई थी बॉल, तो फिर नॉट आउट हो गया था बाद में। बट हाँ अच्छा खेले, ऑल्दो मतलब जैसा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच वो में मिला, वो मिला है इस मैच में, मतलब मतलब वन मैच साइडेड नहीं ना हुआ, मजा टक्कर का आया। मुकाबला था, देखने में मतलब मजा आया। मैच स्टार्टिंग हो रहा था ना, जब भी मेरे को ऐसा धक धक हो रहा था, मतलब मुझे खुद को इतना प्रेशर फील हो रहा था कि यार क्या होगा क्या तो होगा उनको यार, भी इतना प्रेशर रहता मतलब मेरे होगा। ऊपर तो ये प्रेशर था भाई, मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस, वो भी ऑपोजिशन वाली, तो उनको मैं कैसे फेस करूंगा अगर हम हार गए तो फल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, इंडिया जीत गई और मेरा जो धक धक है अब ठीक हो गया, तो अब अच्छा लग रहा पाकिस्तान है मुझे। बिल्कुल, पाकिस्तान ने बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं करी। अगर वो बैटिंग में मतलब ये समझ लो 160 भी कर जाते ना, तो भी इंडिया को टक्कर दे जाते, क्योंकि ये 100 कितने 147 रन इंडिया ने चेस करे हैं, और इसमें भी 14 रन पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा दिए हैं। 14 रन एक्स्ट्रा देने के बाद मैच लास्ट ओवर तक गया और 5 विकेट उन्होंने ले लिए हैं। तो यार मतलब बॉलिंग वाकई में उन्होंने अच्छी करी, सिर्फ इनकी बैटिंग का मसला था। बैटिंग में पता नहीं क्या कर रहे थे, आ रहे थे जा बैटिंग में इन्होंने रहे थे। एंड में जो जो बॉलर थे अपने रऊफ और जो धानी हारिस थे, रऊफ और शाहनवाज धानी, उन्होंने अच्छी उन्होंने जो है बैटिंग की, जिस वजह से ये स्कोर तक पाकिस्तान पहुंच बिल्कुल पाया, ये स्कोर नहीं तक भी तो बॉलर्स की वजह से पहुंचे हैं वो। इंडिया और जल्दी आ जाता। तो हाँ ओवरऑल बॉलर्स का काम ज़्यादा अच्छा रहा पाकिस्तान की तरफ से, बट इंडिया ने सभी तरफ से अपना, मतलब सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, हाँ, इंडिया की मतलब तरफ से तो देखो बॉलिंग बैटिंग दोनों में पूरा इंडिया ने बिल्कुल भी पाकिस्तान को हल्के में लिया ही नहीं, भले ही स्कोर कम था लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी और हल्के इंडिया में की नहीं लिया। तरफ भी एकदम यंग बॉलिंग लाइनअप था, क्योंकि आवेश खान नए थे और अर्शदीप भी नए थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, बुमराह नहीं थे, तो काफी ज्यादा प्रेशर था इंडिया की बॉलिंग साइड पे हाँ, भी। लेकिन इंडिया की साइड से ना भुवनेश्वर कुमार ने किसी भी सीनियर बॉलर की कमी पूरी होने मतलब कमी नहीं खलने दी। और सबसे ज्यादा मुझे हंसी तो उनके विकेट पे आई जब आवेश खान बॉलिंग कर रहे थे और फखर जमान फौरन चल दिए, मतलब हाँ उनको वो आवाज तक नहीं आई थी, और फिर फखर जमान ने मतलब वहां पर अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, ईमानदारी दिखाई, चले गए और वो। खुद ही चलते बने। बाकी मुझे एक बात ये समझ भी नहीं है कि यार सिंपल बाउंसर बॉल पर इनके मेन 3 खिलाड़ी आउट हो गए, तो मुझे हाँ समझ भी नहीं आया यार, बाउंसर तो वैसे यार खेलते वो कोई भी शॉट हो आउट होते तो फिर लोग यही कहते कि क्या जरूरत थी हैं। भाई, अभी जैसे विराट कोहली रोहित शर्मा का ही देख लो, दो शॉट दोनों आउट खेल ऐसे के आउट हो गए कुछ वो। स्टूपिड शॉट खेल के आउट हुए, लेकिन अगर वो हाँ छक्का होता तो हम उस शॉट को स्टूपिड नहीं कहते, हाँ हम तारीफ करते हैं उनकी, तो ये भी वही बात बात है, है, लोगों को कहीं भी चैन नहीं है, तो कहीं भी भाई चैन नहीं सब है अपनी टीम को जिताना चाहते हैं और जिताने के लिए खेलते, तो प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करना बिल्कुल। चाहिए भाई, हम देख रहे हैं और हम पे इतना प्रेशर है, वो तो खेल रहे हैं, तो भाई उनपे किस लेवल का प्रेशर होगा, और ये मेरे चीज ख्याल समझना चाहिए सभी लोगों हाँ को। और मेरे ख्याल से इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच होंगे वो हार्दिक पांड्या होंगे, क्योंकि 3 विकेट भी लिए हैं और 17 बॉल में 33 रन भी बना दिए और हार्दिक मैच पांड्या ने फिनिश करके तो गए हैं सच में चुम्मेश वही परफॉर्मेंस चुम्मेश दिया है भाई वाली हार्दिक पांड्या ने, और उनको देख के लग भी नहीं रहा था कि भाई वो बंदा जो है प्रेशर में रहता है। जो थर्ड बॉल फेंकी थी नवाज ने, नवाब ने ना, नवाज मोहम्मद ने, नवाज नवाज ने, तो थर्ड बॉल जो खेली तो वो डॉट हो गई थी, कोई भी रन नहीं पड़ा था, फिर भी हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड देखा था कैसा था,
कोई बात देख नहीं, देख लेंगे, लेंगे। देख तो लिया उन्होंने और लास्ट फिर में नेक्स्ट छक्का बॉल मार पे के उन्होंने फिनिश कर छक्का दिया। मार के मैच फिनिश कर दिया। तो हाँ, हार्दिक पांड्या वाला जो कॉन्फिडेंस है पूरी टीम में होना चाहिए और प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर प्रेशर में आ गए तो काफी पंगा हो सकता है। और यहाँ पर रविंद्र जडेजा की भी तारीफ करना होगी भाई, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग को संभाली और रोहित शर्मा ने अच्छी कैप्टेंसी करते हुए रविंद्र जडेजा को पहले ऊपर भेजा पहुंचाया। क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और उन्होंने संभाल ली बैटिंग को और और दूसरी इसीलिए साइड उनको से ऊपर विकेट गिर रहे पहुंचाया। थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने पकड़ के रखा और फिर हार्दिक पांड्या ने आके उनका साथ दिया। और हाँ, बिल्कुल, इंडिया मैच जीत गया भाई। रविंद्र जडेजा को इसीलिए ऊपर पहुंचाया क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारे T20 मैचेस खेले हुए हैं और हर तरह की सिचुएशन में खेले हुए हैं। हालांकि वो 7 नंबर के बैट्समैन है लेकिन उनको ऊपर पहुंचाया 5 या 6 नंबर पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम थोड़ी देर के लिए शॉक हो गए थे कि यार ऐसा क्यों करा, लेकिन हमें बाद में समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि उनको भी पता था कि पाकिस्तान बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही है और वहाँ पर एक एक्सपीरियंस बैट्समैन चाहिए जो कि वहाँ पर टिक कर चिपक कर खेले, और वही करा उन्होंने और एंड में हार्दिक पांड्या ने मैच फिनिश करा। भाई स्टार्टिंग में जब केएल राहुल का विकेट लिया था ना नसीम शाह ने, मतलब मेरा धक धक तो और बढ़ गया था भाई कि मतलब हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, मतलब शाहीन अफरीदी जैसा काम ना हो जाए कि भाई 10 रन के अंदर ही 3 विकेट हो जाए। बट विराट कोहली ने भी आके अच्छा संभाला और एक कॉन्फिडेंस दिया टीम को। रोहित शर्मा को भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया, जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने एक छक्का भी मार दिया। और लेकिन फिर उसके बाद फिर डबल से सिक्स मारने के चक्कर में वो आउट हो गए। रोहित शर्मा का जो फॉर्म है पाकिस्तान के सामने खराब ही रहता है, खराब ही पता रहा नहीं है। क्यों। और विराट कोहली का है ना फिर भी थोड़ा सा किस्मत अच्छा है, फॉर्म इस बार भी वो जल्दी आउट हो जाते लेकिन फिर भी वो कैच छोड़ दिया फकर जमान ने, तो 35-1 रन तक पहुंच गए वो, फिर भी मतलब 35 रन तो बना ही दिए उन्होंने पाकिस्तान के सामने। हाँ, और लास्ट 3 मैच अगर पाकिस्तान के सामने विराट कोहली के देखे तो लास्ट 3 मैचों में उन्होंने 50 की है, तो वो अच्छी बात है। विराट कोहली पाकिस्तान के सामने, विराट कोहली बड़े प्लेयर है, बड़े मैच के प्लेयर है और बड़ा मैच था तो उन्होंने यहाँ पर जो भी हो 30 रन बनाए, लेकिन बनाए T20 में 30 रन बनाना भी, 30+ बनाना भी बहुत बड़ी नहीं, बात होती देखो है। जिस हिसाब से पाकिस्तान बॉलिंग कर रही थी ना, वो जो उनका 35 रन है ना वो मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर वो जल्दी आउट हो जाते ना सेकेंड बॉल पे, उनका एज लगा था और फखर ने कैच छोड़ दिया और था शुरू वो, में तो पाकिस्तान ने बहुत प्रेशर बनाने की भी बिल्कुल कोशिश तो की कि भाई इंडिया और ज्यादा प्रेशर में आ जाता। हाँ, रिजवान हर बॉल कैच कर रहे थे और ऐसे उछाल रहे थे जैसे विकेट हो गई हाँ। तो वो प्रेशर तो बनाने की काफी कोशिश की। बट हाँ, विराट कोहली काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, बड़े प्लेयर है और वो हंस रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, मतलब तो वो प्रेशर बना प्रेशर रहे थे में आए यार। ही नहीं वो, तो वो अच्छा लगा। मतलब विराट कोहली को ऐसे खेलते हुए देख के अच्छा लगा। मैं चाहता था कि विराट कोहली और लंबा खेले, 50 तो बनाए एटलीस्ट, बट नहीं हो पाया, 35 बनाए। और फिर भी टीम में अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा उनका। और अब नेक्स्ट संडे को फिर से दोबारा मिल रहे हैं भाई अपन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर, तो उसके लिए भी मैं और एक्साइटेड हूँ। और वो मैच मतलब बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब इतनी जल्दी ही कंफर्म मैच होने वाला है नेक्स्ट संडे, नहीं तो हमें एक मैच होने के बाद फिर 1 साल 6 महीना 7 महीना इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस बार नेक्स्ट वीक ही हो जाएगा और पॉसिबल हुआ तो भी फाइनल भी हो सकता है इनका। हाँ, तो और मेरे ख्याल से विराट कोहली इससे पहले मतलब लास्ट अभी सेकेंड जो मैच होगा उनका 4 तारीख को, उसमें मेरे ख्याल से 50 स्कोर कर दे, देखते हाँ, हैं क्या होता है। लेट्स सी क्या होता है भाई। और नसीम शाह की जो इंजरी वो कैसी है, ज्यादा खतरनाक तो नहीं है कि भाई इनको रेस्ट देना पड़े, तो लेट्स सी वो क्या वैसे होगा। इनके पास है ना अभी एक बॉलर और बैठा हुआ है नसीम शाह जैसा, हसनैन, वो भी ऐसे ही है शाहीन शाह टाइप के बॉलर है, ये भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पढ़ के बॉल अंदर आता है इनका भी। पाकिस्तान में तो बोलते हैं ना कि भाई वहाँ पे पेड़ हिलाते हैं तो फास्ट बॉलर गिरते हैं नीचे यार वो कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि हम सोच रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं तो दिक्कत आएगी पाकिस्तान को, लेकिन नसीम शाह को देखकर बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और ये बात हमें सच है कि पाकिस्तान के पास पहले भी स्विंग कराने वाले बॉलर थे, आज भी है और आगे भी हमेशा रहेंगे, ये कमेंटेटर हाँ, बोल रहे थे। हाँ, ये बात तो देखी है यार। और जो दुबई है वहाँ पर जो उनकी बॉलिंग चलती है ना उसकी बात अलग ही होती है, मतलब इतने तो पाकिस्तान में भी नहीं चलती जितनी दुबई में चलती है। पाकिस्तान में तो यार उनकी बॉल पूरी बैटिंग पिच रहती है वहाँ पर, तो मार खाते सभी की।
तो वो दुबई में उनके हिसाब की पिच उनको मिल जाती है, तो वो उनका स्विंग वगैरह अच्छा होता है। बात कर रहे थे ड्यू फैक्टर की, तो ड्यू फैक्टर यहाँ पर लगा नहीं मुझे सेकंड इनिंग्स में। नहीं, ड्यू फैक्टर तो था, लेकिन है ना पाकिस्तान ने बॉलिंग वाकई में बहुत अच्छी करी, उनको ना ड्यू फैक्टर से फर्क पड़ा नहीं, फिर भी इतना नहीं था भाई कि बार बार बॉल को साफ करना पड़ रहा है। ये मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा के बार बार बॉल साफ कर रहे थे, ये चीज नोटिस। लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप भी दुबई में हुआ था, वहां पर तो ऐसा हो रहा था भाई बॉल को बार बार साफ करना पड़ रहा था। बिल्कुल, तो वो यहाँ पर नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा था और इसका एडवांटेज देते हुए बॉलिंग अच्छी करी। और हाँ मुझे हाँ, और मेरा ये कहना है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बैटिंग के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि बाबर अगर जल्दी आउट हो जाएगा तो इसका मतलब पीछे के जो बैट्समैन है वो कुछ करेंगे ही नहीं, और इंडिया को भी ऐसे ही दिखा देखकर। और भाई इंडिया को भी और काम करना पड़ेगा, जीत तो गए हैं बट हाँ वन साइडेड विक्ट्री भी चाहिए एक हमको एज अ फैन, तो उसके लिए इंडिया को काम करना पड़ेगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है, नेक्स्ट वीक फिर से इंडिया जीतेगा आई थिंक। हाँ बड़े बोल से तो बा, लेकिन उम्मीद है कि इंडिया जीतेगा। बड़े बोल नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक होप है, हम हमारी टीम के फैन है हम, और बस उनसे उम्मीद लगा के बोल रहे हैं। बड़े बोल नहीं बोल रहे यार, कमेंट में मत बोलना कि बड़े बोल कर बोल रहे हो। तो हाँ चलो अब देखते हैं। अब आप बताओ आपका कैसा रहा ये मैच का एक्सपीरियंस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज्यादा लोड मत लेना कोई भी भाई, इट्स अ गेम चलता है। तो हाँ तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बने रहना इसी तरह के और क्रिकेट रिलेटेड वीडियो के लिए, लेके आते रहेंगे हम वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।